हेलो डिवाइन फैमिली, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ़ हैं, सिक्योर हैं, ठीक है। आपके लव्ड वंस पूरी तरह से सेफ़ हैं। आज मैं जिस किसी की भी एनर्जी चैनलाइज कर रही हूँ, ठीक है, एंजल्स मुझे बता रहे हैं कि आपके अराउंड बहुत ज़्यादा जेलसी, एनवी, ठीक है, हेट्रेड, आई कैन एक्चुअली सेंस दैट, ठीक है। आप जो कोई भी हो, आपको ये बताया जा रहा है, आपको एंजल्स पूरी तरह से सावधान कर रहे हैं कि आपको हर एक इंसान पर विश्वास नहीं करना है, ठीक है। ऐसे बहुत से एनवियस लोग हैं, ठीक है, जो आपसे आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है और हर एक इंसान पर बहुत सोच समझ कर विश्वास करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये आपको एंजल्स बता रहे हैं। और आप कुछ ऐसे अचीवमेंट्स भी मैं देख रही हूँ आप लोग की लाइफ में, कुछ ऐसे अचीवमेंट्स आ रहे हैं, कुछ ऐसा नया आप अचीव कर रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से आपके ना चाहते हुए भी लोगों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो रहा है ना। एंड आप से लोग काफ़ी ज़्यादा एनवी फील कर रहे हैं। कई इस तरह के लोग भी मैं देख रही हूँ जिनको आप जानते तक नहीं हैं, है ना। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनसे आपका किसी तरह से भी कोई कांटेक्ट नहीं है, जिनसे आप पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। ऐसे लोग भी आपसे जेलस फील कर रहे हैं, ऐसे लोग भी आपसे यू नो हेट्रिड फील कर रहे हैं, एनवी फील कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है कि हर कोई ऐसा फील कर रहा है, बहुत सिलेक्टिव लोग हैं, बहुत ही कम मात्रा में यू नो गिने चुने लोग हैं ऐसे। बहुत अधिक मात्रा में अगर मैं देखूं तो आपको लोग सराह रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेम आपके लिए लोगों के मन में है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, ठीक है। आप डेफिनेटली साइकिक हो, आपको इंट्यूटिवली पता चल जाता है कि ये व्यक्ति आपके लिए उचित नहीं है, तो आप अपने आप ही उस व्यक्ति से यू नो डिस्टेंस कर लेते हो। एंड अगर आप खुद भी नहीं कर पाते हो, आपकी कोई मजबूरी फंसती है ना, तो भी एंजल्स ऐसा कर देते हैं कि वो व्यक्ति आपकी रेंज के बाहर कर दिया जाता है, ठीक है, आपके आभा मंडल से दूर कर दिया जाता है ऐसा व्यक्ति, ठीक है। आपके आभा मंडल में कोई भी नेगेटिव व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ऐसा व्यक्ति आपके आसपास प्रवेश करता भी है ना, तो उस व्यक्ति को उलझन होने लगेगी और साथ ही में आपको भी यू नो अनकंफर्टेबल फील होगा, आपको भी उलझन होने लगेगी। तो ना तो उस व्यक्ति को जो आपके प्रति ऐसी हीन भावना रखता है ना, ना ही उस व्यक्ति को अच्छा फील होगा और ना ही आपको। सो डिवाइन फोर्सेस कुछ ऐसा ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर देते हैं कि वो व्यक्ति पूरी तरह से रिमूव कर दिया जाता है आपके यू नो सराउंडिंग से। ओके, सो इससे पहले मैं अपनी रीडिंग आज की स्टार्ट करूं, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूंगी, ठीक है। आप सबके आभा मंडल की क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो अगर आपको परेशान कर रही है, आपके जीवन को यू नो प्रभावित कर रही हो नकारात्मक रूप से, तो उस नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत बांध दिया जाए और बांध कर वहीं फेंक दिया जाए जहाँ से वो आई थी, ठीक है। और जिस व्यक्ति ने उस नकारात्मक ऊर्जा को आपकी ओर भेजा हो, ठीक है, उस व्यक्ति पर ही वो नकारात्मक ऊर्जा जाकर प्रहार करे। सेंड बैक टू सेंडर, ओके, सेंड इट इमीडिएटली बैक टू सेंडर। और मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, उनके जीवन से हर तरह की नेगेटिविटी पूरी तरह से वॉश अवे हो जाए, मेरे व्यूअर्स का, ठीक है, मेरे कलेक्टिव्स का जो जीवन है ना, वो पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। सो यही मेरी ब्लेसिंग्स है आप सबके लिए। सो इससे पहले मैं अपनी आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मेरे जो भी कलेक्टिव्स हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, जिन्होंने अपने इस चैनल को सुपर थैंक्स के थ्रू डोनेशंस देकर सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है ना, सराहा है, थैंक यू सो मच, ठीक है। सबसे पहले मैं आप सबको ब्लेसिंग्स देना चाहूँगी, मैं एनर्जी रेसिप्रोकेट करना चाहूँगी। जो एनर्जी आपने मुझे दी है, वही एनर्जी मैं आपको
मल्टीप्लाई करके, है ना, ब्लेसिंग्स के रूप में, कि जो कुछ भी आपने यहाँ पर डोनेट किया है वो मल्टीप्लाई इनटू मिलियन बिलियन टाइम्स आपके ऊपर बरसे, ठीक है, वो धन आपके ऊपर बरसे। तो मैं आप सबका नाम यहाँ पे शाउट आउट करना चाहूँगी। वन्या, थैंक यू सो मच। नवनीत कपूर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। 175 कैट, थैंक यू। दिनेश पटेल, थैंक्स अ लॉट। चित्रा फ्रॉम यूरोप, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। महेश खत्री, थैंक यू। गुरुशरण कौर, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। शोभा, थैंक यू। शीला, थैंक यू। हार्दिक पनेलिया, थैंक यू सो मच। नवनीत कपूर वंस अगेन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। गो गर्ल, थैंक यू। दिनेश पटेल वंस अगेन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। विद्यासागर वर्मा, थैंक यू, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आप सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है अपने इस चैनल को, और इसी तरह से आप पर भी डिवाइन की हमेशा कृपा बरसती रहे। आप हमेशा प्रोटेक्टेड रहें, आपके जो लव्ड वंस हैं वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहें, ठीक है। आपका जो ऑरा है, आपकी जो शील्ड है, आपकी जो प्रोटेक्शन शील्ड है, वो और ज़्यादा अधिक पावरफुल हो जाए, और उस पावरफुल शील्ड के अंदर आप अबंडेंटली ग्रो करते रहें, ठीक है, और आपके लव्ड वंस भी अबंडेंटली ग्रो करें, आपके ऊपर इतना धन बरसे जो कभी समाप्त ना हो। चाहे आप कितना भी दान पुण्य करें, चाहे आप अपने कितने भी शौक पूरे करें, ठीक है, ये मेरी दिल से दुआ है आप सबके लिए, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, जितने भी कलेक्टिव्स हैं, आप सब पर धन वर्षा हो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे थैंक्स करना चाहूँगी जिन लोगों ने पर्सनल रीडिंग्स बुक करी हैं, ठीक है। अद्रिजा पॉल, थैंक यू सो मच। अश्विनी, थैंक यू। श्री कुमार जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। वीना, थैंक यू। नीलम, थैंक यू सो मच। आप सबको आपकी जो पर्सनल रीडिंग है वो गिवन डेट्स पर पहुंच जाएगी, ठीक है। सो थैंक यू वंस अगेन। तो देखते हैं आज डिवाइन आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। माय डियर एंसेस्टर्स, माय डियर एंजल्स, आज जो भी कलेक्टिव्स हैं मेरे, उनको क्या आप मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, प्लीज़ हमारी गाइडेंस, प्लीज़ हमें गाइडेंस प्रोवाइड करिए। एंड जो भी मेरे कलेक्टिव्स हैं, ओके, उनको क्या मैसेज आप देना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पे डिवाइन का कार्ड है, ठीक है, डिवाइन डायरेक्टर। सो यहाँ पे डायरेक्टली डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, ओके। डिवाइन इंटरवेंशन इज अकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। आपको बोला जा रहा है कि आपको दिव्य शक्तियाँ गाइड कर रही हैं, ओके, एंड दिव्य शक्तियाँ चाहती हैं कि आप बस खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, ठीक है, और अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करिए, बहुत ही ज़्यादा धन धान्य प्राप्त करिए, ठीक है, और बहुत प्रसन्न रहिए, सुखी रहिए। हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसी परेशानियाँ रही हैं जिनकी वजह से आपने काफ़ी सफ़र किया है, या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे डिवाइन आपको ये भी बताना चाह रहे हैं कि कुछ जो एनवियस लोग हैं वो आपकी हैप्पीनेस में ना वो बाधा बनने का प्रयास कर रहे हैं, या बाधा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिव्य शक्तियाँ अपना पावर दिखा रही हैं, और ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने आपके आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है, या आपके प्रति किसी तरह का गलत एक्शन लेने की कोशिश करी है, तो उनको उनके राह में कैसे उनको रोकना है, है ना, उनकी राह में रुकावट कैसे करनी है, और उनको कंट्रोल कैसे करना है, ये डिवाइन कर रहे हैं बखूबी। डिवाइन जानते हैं कि कैसे ऐसे लोगों को हैंडल करना है, ठीक है। सो ये आपको बताया जा रहा है यहाँ पे कि आप पूरी तरह से सेफ हैं, ओके। वाइट ईगल, एंसेस्टर स्पिरिट। सो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपके जो पूर्वज हैं, ठीक है, आपके पूर्वज, उनकी आत्मा आपको आशीर्वाद दे रही है। आपके पूर्वजों की आत्मा आप में फर्म बिलीव रखती है,
ठीक है, आप कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जो सेंचुरीज बीत जाती हैं, ठीक है, सदियां बीत जाती हैं एंड युग बीत जाते हैं, तब आपके जैसे लोग जन्म लेते हैं, आपके जो पूर्वज हैं वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। कनेक्ट टू योर लीनिएज, अ फैमिली वुंड और पैटर्न्स कैन बी हील्ड नाउ। सो आपको बताया जा रहा है कि आप पर आपके जो पितर हैं ना, जो आपके पूर्वज हैं, वो इतना काउंट अपॉन करते हैं, इतना विश्वास रखते हैं कि आपके आने से, है ना, आपके जो भी कुल में या फिर आपके खानदान में, आप कह सकते हो ना, आपकी पूरी जो लीनिएज है उसमें जो भी वुंड्स थे, जो भी कुल दोष था, पितृ दोष था, वो सिर्फ आप के द्वारा ही ठीक हो सकता है, ठीक है। आप ही उस चीज़ को दूर करने में इस लायक हो कि आप ही उस चीज़ को दूर कर सकते हो। आपके पितर आपसे ये बोल रहे हैं, ठीक है, और उनको आप पर बहुत ज़्यादा भरोसा है एंड वो आपसे अपार प्रेम करते हैं, ठीक है। तो आपको यही बताया जा रहा है, और उनकी विशेष कृपा है आप पर, आपके जो पितर है ना, उनकी विशेष कृपा है आप पर, यहाँ पे आपको यही बताने का प्रयास किया जा रहा है। देखते हैं आपसे कौन लोग एनवी हैं और आपको ऐसे में क्या करना चाहिए। आज देखते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं यहाँ। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, या सी देखिए, हैप्पीनेस आपका पर्पस है, ठीक है, हैप्पी फैमिली आपका मकसद होना चाहिए और हैप्पीनेस ही आपका पर्पस है। सेलिब्रेशंस, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस होने चाहिए, आपको हैप्पी रहना चाहिए, ठीक है, आपको यही बताया जा रहा है। यहाँ पे आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी है ये, ठीक है, आपके पूर्वजों की एनर्जी फिर से यहाँ पे आई है और वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो लोग आपके अगेंस्ट कुछ भी ब्लैक मैजिक, यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड है, जो लोग आपके अगेंस्ट किसी भी तरह की गंदी ईवल चीज़ें कर रहे हैं, तो आपके एंसेस्टर्स, ठीक है, एक तो उनको पूरी तरह से कट करके आपकी लाइफ से फेंक रहे हैं, दूर कर रहे हैं, प्लस आपको बोला जा रहा है कि आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है, आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है, आपको अपनी पोजीशन पर फर्म रहना है, ठीक है, आपको अपनी पोजीशन नहीं छोड़नी है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि ऐसे लोग जो कोई भी आपके अगेंस्ट ऐसी चीज़ें कर रहा है ना, उनका फैसला होने वाला है। ये जस्टिस का कार्ड है एंड ये लिब्रा एनर्जी है, तुला राशि, ठीक है, तो ये मुझे शनिदेव का कार्ड भी लगता है, तो शनिदेव डेफिनेटली अब फैसला करने वाले हैं ऐसे लोगों का, ठीक है, ऐसे लोगों का फैसला होगा अब, और आपकी ये एनर्जी है, आपको इसी एनर्जी में रहना है। ये ईश्वर का बच्चा है, ईश्वर का प्रिय बच्चा, ठीक है, जो कि आप हो, है ना, आपको ऐसे ही शाइन करना है, ब्राइट लाइक सन, सूर्य की तरह चमकिए, आपको डिम नहीं करनी है अपनी लाइट। आपको बोला जा रहा है कि आप गिव अप नहीं करोगे, ओके, आपको गिव अप नहीं करना है कभी भी। ये एनर्जी आपके हेटर्स और एनवियस लोगों के की होने वाली है, क्योंकि अब शनि देव उनका फैसला कर रहे हैं, ठीक है, जो भी उन्होंने बुरे कर्म करे हैं, उनका टफ टाइम आ चुका है, ये उनकी एंजाइटी है, वो लोग डिप्रेशन में हैं, सो नहीं पा रहे हैं, परेशान हैं, ठीक है, उनकी करी हुई कोई भी चीज़ आप पर काम नहीं करेगी और कर नहीं रही है, इस वजह से वो लोग काफ़ी एंशियस हैं, परेशान हैं, ठीक है, यस। एंड आपको अथॉरिटेटिव पोजीशन मिल चुकी है, दी एम्परर, बादशाहत, आपको आपकी पोजीशन मिल चुकी है, अगर आप फीमेल हैं तो आपको अथॉरिटेटिव पोजीशन मिल चुकी है, दी एम्प्रेस की एनर्जी, ओके, और अगर आप मेल हैं, जो भी मेरे कलेक्टिव्स हैं जिनके साथ ये मैसेज जा रहा है, जिनके साथ ये मैसेज रेजोनेट होता है, आपको एक बॉस की पोजीशन मिल चुकी है, एक बहुत सम्मानजनक पोजीशन है आपकी, ठीक है, या यस, या आपकी लाइफ में कोई बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर चुके हो, ठीक है, आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स आ चुके हैं और
ये आपका समय चल रहा है। तो आपका समय इसलिए अच्छा चल रहा है क्योंकि आपने आप ये डिजर्व करते हो, ठीक है। आपने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाया है, लोगों ने आपको परेशान किया है, ठीक है। आप पर अनलिमिटेड प्रहार किए गए हैं, या सो यस, आपको बोला जा रहा है कि आप डिवाइन के बच्चे हो और डिवाइन हर क्षण हर पल आपके साथ है, ओके। तो आपको कभी भी अकेला फील करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको यही सावधान किया जा रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर विश्वास नहीं करना है, एनवीएस लोगों पर विश्वास नहीं करना है, हेटर्स पर विश्वास नहीं करना है, और अपने जो भी जिस काम में आप लगे हो उसको गिव अप नहीं करना है, है ना। शाइन करते रहना है, अपनी लाइट को डिम नहीं करना है किसी के भी लिए, ठीक है। सूर्य को देखा है आपने, सूर्य कभी अपनी चमक कम नहीं कर सकता है ना। जो उसकी एक्चुअल चमक होती है वो हमेशा के लिए होती है। हाँ, छोटे मोटे बादल आ जाते हैं बीच में और वो वापस से उड़ के अलग हो जाते हैं, लेकिन सूर्य उसी तरह चमकता रहता है ना। सूर्य की जो चमक है वो कभी कम नहीं होती, तो उसी तरह से आपको अपनी चमक कभी कम नहीं करनी है, ओके। ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है आपके लिए। आपका जो लाइफ पर्पस है वो ये है, हैप्पी फैमिली, हैप्पीनेस, ठीक है, प्रसन्नता, सेलिब्रेशन, ये आपका पर्पस है। ये हमें डिवाइन गाइडेंस में भी पता चला है, राइट। तो जल्दी से देखते हैं यूनिवर्स आपको आज क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डाउनलोड्स क्या आ रहे हैं एंजल्स के, ठीक है, कौन से डाउनलोड्स हैं आपके लिए, लेट्स सी, ओके। धन के नए स्रोत, मैंने बताया ना, आपने कोई ऐसा रिसेंटली कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ठीक है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा अचीवमेंट आपने हासिल किया है ना, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में धन के नए स्रोत आ रहे हैं, है ना। कुछ नई सोर्स ऑफ इनकम आपने जनरेट करी है, ईगल, टॉर्टॉइस, बटरफ्लाई, लेडीबग, अगर ये सब आपको दिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब एंजल्स आपके आसपास ही रहते हैं। अगर इनमें से कुछ भी आपको दिख रहा है, और अगर ये सब कुछ आपको दिख रहा है, तो आप टोटली डिवाइनली यू नो ब्लेस्ड है, प्रोटेक्टेड है। और अगर इनमें से एक भी चीज़ आपको दिख रही है, तो भी एंजल्स आपके आसपास हैं, आप टोटली डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, ब्लेस्ड हैं, राइट। ये मैसेजेस आपको एंजल्स देना चाह रहे हैं। RIP, इफ यू टच माई डिवाइन चाइल्ड, योर एंसेस्टर्स वॉन्ट टू टेल योर एनिमीज, या आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी आई थी यहाँ पे और यही मैसेज आया है उनका, आपके एनिमीज के लिए, जो लोग आपसे एनवी करते हैं ना, जिन लोगों को आपसे जलन है, जो आपके लिए हेट्रेड रखते हैं, है ना, जलन की भावना, आपको नुकसान पहुँचाने के लिए प्लान प्लॉट करते रहते हैं, तो उनको वार्निंग जा रही है। आपके एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा आपको लेकर के प्रोटेक्टिव हैं, वो आपके हेटर्स और एनिमीज़ को वार्निंग दे रहे हैं कि उन्होंने आपको अगर ज़रा सा भी यू नो इवन टच तक किया, तो भी उनकी खैर नहीं है, RIP, ये उनके लिए वार्निंग है, ठीक है, या तो फिर उनका सीधे सीधे या आप समझ जाइए, बोलने की आवश्यकता नहीं है। आई नो आप सब बहुत समझदार हैं, यू आर द मोस्ट पावरफुल डिवाइन चोजन बीइंग, या सी आप बहुत पावरफुल हैं। कोई भी एनवियस इंसान आपको, कोई भी एनवियस इंसान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है, बहुत क्लियर मैसेजेस हैं। फैमिली लव्स यू, सो आपकी फैमिली आपसे बहुत प्यार करती है, तो आपको हैप्पी रहना है, ओके। यहाँ लोग कार्ड आए हैं, यू कंप्लीट मी, सी फैमिली लव्स यू, आपकी फैमिली आपसे प्यार करती है और आपकी फैमिली आपसे कह रही है कि यू कंप्लीट मी, आप उनको पूरा करते हैं, आप उनके पूरक हैं, है ना, कंप्लीट करते हैं आप उनको, यू आर द फर्स्ट बिलियनेयर इन द फैमिली, कॉन्ग्रेचुलेशंस, या तो थोड़ा बहुत डोनेशंस करिएगा और अच्छी जगहों पर करिएगा, जहाँ पर लोग यू नो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको डेफिनेटली डोनेट करिएगा, फर्स्ट बिलियनेयर,
कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर हार्ड टू कैच. आप कभी भी अपने हेटर्स एनिमीज के गिरफ्त में नहीं आ सकते. ठीक है, वो लोग जितने भी गंदे ईवल इंटेंशंस, वो लोग जितने भी गंदे ईवल इंटेंशंस सेट कर ले, आप पर यू नो आपको वो गंदी चीज़ें छू भी नहीं सकती हैं. हार्ड टू कैच. ठीक है, सो आप इतना इजीली किसी चीज़ के ट्रैप में नहीं आ सकते हैं. ओके, तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आए? तो आपसे कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उसको मनाने जाओ, है ना? या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई आपको मनाने आए? ये आपकी तरफ से आपके दिल की बात है. स्पिरिचुअल अटैक्स, तो आपके ऊपर कोई यू नो स्पिरिचुअली अटैक कर रहा है. मतलब स्पिरिचुअल अटैक का मतलब है पूजा पाठ के माध्यम से, यू नो कुछ ऐसी चीज़ें करके, यू नो दैट स्पिरिचुअल चीज़ें करके आप पर अटैक करने का प्रयास कर रहे हैं. यू नो ईश्वर की, बेसिकली वो ईश्वर के बच्चे पर, यू नो ईश्वर से ही बोल रहे हैं कि आप अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाओ. ऐसा कैसे हो सकता है? असंभव है ये. तो ये जो उनका स्पिरिचुअल अटैक है ना, ये उल्टा उनके ऊपर ही होने वाला है, क्योंकि ये सिग्नल वो लोग ही जनरेट कर रहे हैं, यूनिवर्स में वही लोग भेज रहे हैं, और ये वापस से उनके ऊपर ही प्रहार होने वाला है स्पिरिचुअल अटैक्स का. ठीक है, जग घूमया तेरे जैसा ना कोई. सो आपके जैसा कोई नहीं है, ऐसा किसी को लगता है. आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत ज़्यादा यूनिक मानते हैं, है ना? उनको लगता है आपके जैसा कोई नहीं है. दिस इज़ योर कन्फर्मेशन फ्रॉम गॉड. या सो आपको ये गॉड कन्फर्म कर रहे हैं, ईश्वर कन्फर्म कर रहे हैं. ये यहाँ पर जितनी भी बातें आई हैं, है ना, ये ईश्वर की तरफ से आई हैं. सो आप इनको कन्फर्म मानिए, राइट? इनके इन चीज़ों को लेकर के कोई भी डाउट मत पालिएगा. ऑल स्पेल्स आर ब्रोकन. सी, यस, दैट्स इट. ऑल स्पेल्स आर ब्रोकन. उन लोगों ने जो कुछ भी करने का प्रयास किया है, ठीक है, स्पिरिचुअल अटैक्स करने का प्रयास किया है, तो वो सारी चीज़ें तोड़ दी गई हैं. वो सारी चीज़ें तोड़ दी गई हैं. ओके, ब्रेक कर दी गई हैं. ओके, आई विल टेक वन मोर. हेटर्स, सी, हेटर्स. तो आपसे डेफिनेटली लोग हेट करते हैं, और ये कन्फर्मेशन है. ठीक है, एंजल्स का मैसेज आना, और जो मुझे डाउनलोड आया, मैंने आपसे शेयर किया, मैंने आपको बताया कि ऐसा कुछ मुझे यू नो सेंस हो रहा था कि आपके आसपास लोग ईविल हैं, एनवियस हैं आपसे, आपसे जलते हैं, है ना, आपको हेट करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, आपका बुरा मनाते हैं. तो आपको बहुत सावधान रहना है. जो लोग आपसे हेट करते हैं, उनको आप सीक्रेटली पहचान लीजिए और उनसे डिस्टेंस कर दीजिए अपने आप को. ठीक है, तो ये मैसेज आ रहा है आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग. देखते हैं क्या इनिशियल्स आते हैं. ओके, बहुत ज़्यादा लेटर्स नहीं लिए मैंने. ओके, वी, सी, के, विक्की, या डी, डी सी, विकेड, या विकेड. कोई बहुत ज़्यादा चालाक है, विकेड है. जे, जेलस, यस, दिस इज प्रॉबली. ओके, ओ, कोक, कोई कोक पी रहा है. कोड, पिन कोड, कोई कोड डाल रहा है. नंबर थ्री, या नंबर थ्री बहुत स्ट्रांग आया है. नंबर थ्री, थ्री ट्वाइस आया है. थ्री, 12, 21. सो थर्ड मार्च किसी का बर्थडे हो सकता है. 12th मार्च हो सकता है बर्थडे किसी का. 3rd December हो सकता है किसी का बर्थडे. 21st December हो सकता है किसी का बर्थडे हो. 21st of March हो सकता है. या लेट्स सी. जोक,
कोई जोक कह रहा है, कोई जोकर कह रहा है किसी को, हो सकता है आपका मजाक उड़ा रहे हों, आपको जोकर बोल रहे हों, और एक्चुअल में आपके जो एनवीएस लोग हैं, हेटर्स हैं, वो खुद जोकर हैं बहुत बड़े, ठीक है। या जोड़ के ओके, विकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है, विकी के जो के जो ओके, डीसी, कुछ डीसी से रिलेटेड है, कुछ वीसी, डीसी, वीजे, वीडियो जॉकी, ओके, सीओ, किड, कुछ किड से रिलेटेड बात है, किड, किड, ओके, केवी, कुछ केवी से नाम हो सकता है किसी का, जेडी, जेडी से किसी का नाम हो सकता है, नेम इनिशियल हो सकता है किसी का, जेडी, केवी, केजेओ, ओके, लेट मी चैनलाइज सम नेम्स, कोई डॉक्टर हो सकता है यहाँ पे, या सम डॉक्टर, जितेंद्र, या हो सकता है किसी को यहाँ पे ओसीडी की शिकायत हो, है ना, यानी कि एक चीज़ को लेकर के ऑब्सेस्ड हो जाना, कोई आपको लेकर के ऑब्सेस्ड है, आपके बारे में हर समय बात करना, आपके बारे में हर समय बुराई करना, ऑब्सेसिव, है ना, कंपल्सिव डिसऑर्डर है किसी को, ओके, डव, सो कोई प्यार करता है बहुत ज़्यादा किसी से, डव, डेट ऑफ जॉइनिंग, कोई न्यू जॉब ज्वाइन कर रहा है, या डेट ऑफ जॉइनिंग, केवीसी, केवीसी, ओके, सो फ्रेंड्स ये कुछ इनिशियल्स है और स्पेसिफिक नंबर है, 3 बहुत स्ट्रॉन्ग आया है यहाँ पे, 3, 12, 21, ठीक है, एंड ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने चैनलाइज करे अपनी तरफ से, सो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स, अपना बहुत ध्यान रखिएगा और अपनी लाइफ में जो भी आपकी लाइफ में हेटर्स और एनवियस लोग हैं ना, उनसे खुद को डिस्टेंस करिएगा, आप डेफिनेटली प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं, और अगर आप नहीं भी कर पाएंगे ना ऐसे लोगों से खुद को डिस्टेंस, तो डिवाइन एनर्जीज ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से दूर कर देंगे, ठीक है, सो इसके साथ मैं अपनी रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स, आई लव यू ऑल, आई रियली लव यू ऑल एंड आई रियली ब्लेस यू ऑल, ठीक है, आप सब पर धन वर्षा हो, अच्छे काम करते रहना, सारे जीव जंतुओं पर दया करना, ठीक है, और पेड़ पौधों का बहुत ध्यान रखना, पशु पक्षियों का ध्यान रखना, छोटे छोटे जो चींटियाँ और इस तरह से छोटे जो जीव जंतु हैं उन पर ज़रूर ध्यान रखना उनका, उनके भी खाने पीने का इंतज़ाम करना, और जब हम उनके खाने पीने का इंतज़ाम करेंगे तो डिवाइन एनर्जीज हमारे खाने पीने का इंतज़ाम करेंगे, ठीक है, सो यस, आई रियली होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू इन लाइफ, आई लव यू ऑल, थैंक यू, बाय।